दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार फार्मेसी एक्सप्रेस इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आज हम एक मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे और ये मेडिसिन स्पेशली हम लोग के जो डायबिटिक के पेशेंट हैं और मोर इम्पॉर्टेंटली टाइप 2 डायबिटिक के जो पेशेंट्स हैं उनमें हम इस मेडिसिन का यूज़ जो है वो करते हैं। जो ब्रांड जो सॉल्ट नेम है जो केमिकल नेम है ऑफ दिस मेडिसिन इज पायोग्लिटाजोन। पायोग्लिटाजोन आप सभी लोग को आई थिंक अगर क्लासिफिकेशन आपको पता हो अगर टाइप 2 डायबिटिक मैनेजमेंट का डायबिटिक थेरेपी का तो उसमें पायोग्लिटाजोन जो है एक तरीके से इंसुलिन रेजिस्टेंस क्लास ऑफ मेडिसिन में आता है एज पर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज कंसर्न। And with chemically, if you concern the classification, then it comes into the thiazolidine, dienes, dienes classes. इसके अलावा एक और क्लास है जो कि बीगोनाइट्स हैं, जिसमें हमारा वन ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड ड्रग जिसे हम लोग कहते हैं एज अ मेटफॉर्मिन, दे आर ऑल्सो देयर इन दैट केस। नाउ आज हम लोग जानेंगे पायोग्लिटाजोन्स के बारे में। पायोग्लिटाजोन्स हमारे टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स में क्या करता है, किस तरीके से ये हमारे बॉडी में जो भी टाइप 2 डायबिटिक के पेशेंट्स हैं उन पे किस तरीके से ये इम्पैक्ट करता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे और कुछ इनकी हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ेंगे कि पायोग्लिटाजोन्स में क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, किस रीज़न से कहाँ पे इसे बैन किया गया और क्यों इसे रिवोक किया गया और क्या क्या प्रिकॉशन मेजर्स हैं जो कि किसी भी टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट को अगर पायोग्लिटाजोन हम लिख रहे हैं तो उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पायोग्लिटाजोन ए ड्रग यूज्ड इन टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट। टाइप 2 डायबिटिक के पेशेंट्स में हम लोग पायोग्लिटाजोन को यूज़ करते हैं। पायोग्लिटाजोन जो है एक तरीके का ड्रग है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस के पेशेंट्स में, जिसे हम लोग एक तरीके से कहते हैं नन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। ये कम्स अंडर द क्लास ऑफ व्हाट वी कॉल इट एज द मैकेनिज्म और वी कॉल इट एज द क्लासेस इन विच इट कम्स। सो इट कम्स अंडर द क्लास ऑफ थायोजोलिडीन डाइन डायोन्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पायोग्लिटाजोन अभी भी करेंटली अवेलेबल है इंडिया में और आज के समय में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इसे ट्रिपल ड्रग कॉम्बिनेशंस में भी ला रही हैं विद कॉम्बिनेशन ऑफ DPP-4 विद मेटफॉर्मिन एंड विद पायोग्लिटाजोन। क्यों ला रही हैं और क्या रीज़न है कि पायोग्लिटाजोन को इस तरीके से यूज़ करना अब शुरू किया जा रहा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे ज़रूर। इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो जो एक और क्लास या एक और सॉल्ट या केमिकल जो इसके इस क्लासिफिकेशन के अंदर पाया जाता है वो है रोसिग्लिटाजोन। रोसिग्लिटाजोन एक अदर मेंबर है जो कि इंडिया में बैन है फ्रॉम 2010 और ये यूरोप में भी विड्रॉन कर दिया गया है, इसे हटा दिया गया है क्योंकि because of very unacceptable increase in the risk of myocardial infection, congestive heart failure diseases, strokes and death in the patients. So, cardiac related जो भी complications patients को होते हैं, चाहे fluid management के related जो complications के कारण patient को stroke की condition आती है, उन सब conditions को देखते हुए इस रोसिग्लिटाजोन को यूरोप ही नहीं इंडिया में भी बैन किया गया है 2010 में। नाउ हाउएवर जो भी ये कॉम्प्लिकेशंस और जो भी इन चीज़ों को देखा गया कि ये चीज़ें आ रही हैं, बट एक जो लार्ज प्रस्पेक्टिव पे एक लार्ज पेशेंट ट्रायल जब हुआ एंड इट फेल टू कंफर्म दैट सच रिस्क एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ रोसिग्लिटाजोन हैव बीन लिफ्टेड इन USA। तो ऐसा जो रिस्क है वो जब प्रूफ नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द लार्ज ट्रायल। जब लार्ज ट्रायल हम करते हैं तो हम हर एक तरीके के लोगों को लेते हैं, हर एक रेसिज्म के पेशेंट्स को लेते हैं, हर एक इकोनॉमिकल कंडीशंस के पेशेंट्स को लिया जाता है। अगर उस कंडीशन के पेशेंट्स में भी
इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखा गया, स्पेशली कार्डियक रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ को देखते हुए। तो इस कारण से ये यूएसए में इसको अपलिफ्ट कर दिया गया था एंड द बैन वाज लिफ्टेड इन यूएसए। इन जून 2013 में अगर आप देखें तो बिकॉज ऑफ सम रिपोर्ट्स विच इज़ लिंकिंग विद द पायोग्लिटाजोन विद कार्सिनोमा ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। सो कार्सिनोमा एक तरीके का कैंसर का कंडीशन है जो कि यूरिनरी ब्लैडर में, स्पेशली जो भी पेशेंट्स पायोग्लिटाजोन ले रहे थे उन्हें ये चीज़ डेवलप हो रही थी। हाउएवर विद इन द 2 month ऑफ द बैन वॉज लिफ्टेड विथ अ वार्निंग लेवल टू नॉट यूज एट एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ अ ड्रग इन टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट। तो इस जो बैन था, ये जो बैन था जो स्पेशली कार्सिनोमा ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में पाने के कारण हुआ, इस बैन को भी कुछ दिनों के बाद इसे हटा दिया गया बिकॉज एक वैलिड रीजन नहीं था या वैलिड डाटा नहीं था इसके प्रूफ करने के लिए। और इसके बाद आप सेकेंड स्लाइड में अब देखेंगे कि पायोग्लिटाजोन जो है एक तरीके का ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग है। हम सभी लोग जानते हैं कि जस्ट नॉट ओनली इन इंडिया बट इन ऑल ऑफ द वर्ल्ड आई थिंक दैट देर आर मैनी पेशेंट्स हु थिंक दैट दे कैन टेक अ इंसुलिन। बट यू विल बी एग्री विथ मी और द फ्रेटर्निटी ऑफ डॉक्टर्स हु आर गिविंग द कंसल्टेंसी टू द पेशेंट्स, देर आर मैनी मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स आर देयर हु डू नॉट वॉन्ट टू हैव इंसुलिन एज अ थेरेपी, हु ऑलवेज वॉन्ट टू हैव अ ओरल थेरेपी। So it is having a better compliance, it is not having a hecticness, it is not having the burden to take that particular pen with particular amount of liquid and insulin cartridge or a vial. So in that conditions, the patient mostly see that they prefer to have a oral therapy. Now pioglitazone is an oral antidiabetic drug and it is a very selective agonist for the nuclear. सो सेलेक्टिव एगोनिस्ट का मतलब आप समझिए कि ये एक सेलेक्टिव रिसेप्टर पे जाके ये बाइंड करता है और ये एक पॉजिटिव रिस्पांस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है। बिकॉज एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट में यही डिफरेंस है, एगोनिस्ट एक पॉजिटिव रिस्पांस को इफेक्ट करता है, एंटागोनिस्ट उस रिस्पॉन्स को ब्लॉक करने के लिए वो काम करता है। तो ये एक तरीके का सेलेक्टिव एगोनिस्ट न्यूक्लियर प्रोक्सीजोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा है। सो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में PPRA गामा भी कहते हैं, विच इज एक्सप्रेस मेनली इन द फैट सेल्स बट ऑल्सो इन सम इन द मसल्स एंड सम अदर सेल्स। मेनली ये आपके फैट सेल्स में, एडिपोसाइट्स में ये पाए जाते हैं और ये आपके न्यूक्लियर के पार्ट में जो न्यूक्लियस आपका रहता है वहीं पर ये PPRA गामा रिसेप्टर जो है वो पाए जाते हैं। प्राइमरी एक्शन क्या होता है, अगर आप सिंपल फॉर्म में अगर जानना चाहें कि PPRA ये पायोग्लिटाजोन किस तरीके से हमारे बॉडी में काम करता है, तो इसे भी आप जान सकते हैं इस स्लाइड के थ्रू। सो प्राइमरी एक्शन जो है पायोग्लिटाजोन जो है वो एक्टिवेट करता है आपके PPRA गामा रिसेप्टर जो कि आपके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। इसके कारण क्या होता है कि ये रेगुलेट करता है जीन रिलेटेड टू ग्लूकोज एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। ऐसे जीन्स, ऐसे प्रोटीन्स को ये बनाता है जो कि ग्लूकोज और लिपिड के मेटाबॉलिज्म को इन्हेंस करने के लिए हेल्प आउट करें। अगर ग्लूकोज और लिपिड का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्ली होगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है ऑल ओवर द बॉडी इट विल बी मोर इन अ गुड वे। और जब ये चीज़ बेहतर होगी तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी बेहतर होगा, आपकी जो रेजिस्टेंस जो डेवलप हो गई है बिकॉज ऑफ द मोर अमाउंट ऑफ ग्लूकोटॉक्सिसिटी इनसाइड द सेल इट विल आल्सो बी गोइंग टू बी डिक्रीज एंड इट इंक्रीजेज द इंसुलिन सेंसिटिविटी। यू कैन सी दैट दिस रिडक्शन इन द ग्लूकोज रेगुलेटेड जीन्स, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म ज़्यादा बढ़ रहा है, लिपिड मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो है वो इम्प्रूव आउट हो रही है and it leads to increase in the insulin mediated glucose uptake by around 30-50%. So इसके कारण क्या होता है, जब insulin resistance को कम ही होगी और insulin sensitivity बढ़ेगी तो insulin के mediated मतलब
इंसुलिन के द्वारा इफेक्टेड जो ग्लूकोज का एंट्री है, जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है, वो भी और ज़्यादा होगा और ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा। सो इट लीड टू इंक्रीज इन द इंसुलिन मेडिएटेड ग्लूकोज अपटेक बाई अराउंड 30-50%। इफ यू सी, इट्स अ वेरी लार्ज परसेंटेज ऑफ नंबर इफ यू सी इन अ पेशेंट, इन नॉर्मल पेशेंट्स। सो 30-50% ग्लूकोज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन इस मेडिसिन को लेने के कारण हो रहा है। और ये कहाँ कहाँ पे हो रहा है, स्पेशली ये लीवर्स में, मसल्स में, एडिपोज टिश्यूज में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारा ग्लूकोज स्टोर्ड होता है, वहाँ पे हम लोग इस चीज़ को करने में हेल्प आउट कर पा रहे हैं। सो इसके कारण क्या होगा, जो यूग्लाइसेमिक, जो हाइपरग्लाइसेमिक स्टेज हमारे बॉडी में है, जो हमारे ब्लड में है, वो बहुत ही स्मूथली ये धीरे धीरे यूग्लाइसेमिक के तरफ आना स्टार्ट करेगा। Now, pioglitazone, as you see, it stimulates the nuclear receptor PPARA gamma and it results into the gene transcription, the protein synthesis, which leads to impact the adipose tissues, the muscles and the liver also. तो ये तीनों को इम्पैक्ट कर रहा है। जब ये जीन ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है, अभी आगे वाले आने वाले स्लाइड्स में आप देखेंगे, ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है, ये बहुत तीन मैकेनिज्म ऑफ पार्ट में ये एक तरीके से काम करती है। पहला आपका फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का फॉर्मेशन है, फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, विच वी कॉल इट एज अ FATP। सेकेंड है जो ग्लट फोर की सिंथेसिस को बढ़ाती है। थर्ड है आपके लिपोप्रोटीन लाइपेज को बढ़ाती है। तो ये तीन मैकेनिज्म पे स्पेशली ये वर्क करता है, जिसके कारण कि इसको कहा जा रहा है कि ये एडिपोज टिश्यू, मसल्स एंड एज वेल एज द लीवर, इन तीनों पे ये इम्पैक्ट आउट करता है। नाउ चलिए हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है हमारे पायोग्लिटाजोन का। सो अब आप जैसा कि स्लाइड में देख पा रहे होंगे, एक बहुत ही सिंपल सा पिक्चर लिया गया है। जैसा कि हम मैंने आपको ही बोला कि जो ज़्यादा जो इसका इफेक्ट है वो आपके स्पेशली एडिपोसाइट्स पे है, बिकॉज ज़्यादा अमाउंट ऑफ फैट जो है डिपोजिशन भी हमारा वहीं पे होता है। और फैट एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रीज़न है हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस का डेवलपमेंट होने का। जैसा कि आप सभी लोग इस फिगर में देख पा रहे होंगे कि पायोग्लिटाजोन जो है वो एंट्री कर रहा है हमारे एडिपोसाइट्स के अंदर, और जब ये एडिपोसाइट्स के अंदर एंट्री कर रहा है तो ये किसको एक्टिवेट कर रहा है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा, पहले भी हमने स्लाइड्स में देखा, ये PPARA गामा को एक्टिवेट कर रहा है इन द न्यूक्लियस रिसेप्टर। अब जब ये एक्टिवेशन हो रहा है, सो इसके साथ ही साथ ये अंडरगो करता है डाइमेराइजेशंस को। तो डाइमेराइजेशंस क्या है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग द टू मॉलिकुलर और आयन बाई अ फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स। तो एक बॉन्ड बनना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी बन सकता है, वीक बॉन्ड भी बन सकता है। तो ये जो है PPARA गामा जो है वो एक तरीके से डाइमराइजेशन के थ्रू जाता है, बट ये एक तरीके का हेट्रोन्यूक्लियर रिसेप्टर है। जो PPARA गामा है वो एक तरीके का हेट्रोन्यूक्लियर रिसेप्टर है। सो ये अंडरगो करेगा डाइमराइजेशन को विथ रिमिटाइड रिसेप्टर। रूमेटाइड रिसेप्टर, इफ यू सी इन दिस सेकेंड स्लाइड दैट दिस इज द RXR। तो ये डाइमराइजेशन किसके साथ करेगा, रूमेटाइड रिसेप्टर के साथ। अब जब ये रूमेटाइड रिसेप्टर के साथ जब ये डाइमराइजेशन करेगा, आफ्टर दिस द डाइमर कैन एक्ट ऑन द DNA। लेकिन ये आफ्टर जब ये डाइमर बन गया, ये दोनों का डाइमर बन गया, PPARA गामा और RXR का, अब ये एक्ट कर सकता है DNA पे। और DNA आप सभी लोग सीक्वेंसिंग देख पा रहे होंगे न्यूक्लियस के अंडर के पार्ट में। बट बिफोर डायरेक्टली इंटरैक्टिंग, पहले ये डायरेक्टली इंटरैक्टिंग होने से पहले एक को एक्टिवेशन फैक्टर जो है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीन ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट आउट करने में, वो को एक्टिवेशन फैक्टर जो है वो PPARA गामा पे जाके बाइंड आउट करेगा। इफ़ यू सी इन द पिक्चर, यू सी देयर इज अ वाइट स्पॉट इन द PPARA गामा रिसेप्टर पार्ट। सो दिस को एक्टिवेशन फैक्टर विल गोइंग टू बाइंड विद द PPARA गामा रिसेप्टर। एंड
they are going to bind to this dimerized nuclear receptor. And now this entire complex of PPARA gamma with RXR with coactivation factors can interact with the DNA. It will interact with the DNA and they will promote the gene transcription. Now, what is the transcription? It's a process of copying a segment of DNA into RNA, and through the help of the messenger RNA, it will going to form a protein which is essential for the body formation. So now in this process, this gene transcription, it lead to conversion of DNA into RNA, and this RNA will going to convert by the help of a messenger RNA into a protein. And this lead to the protein synthesis, and in this way the pioglitazone, it increases the protein synthesis and it can release a many number of protein in that process. And due to the increase in the protein synthesis, they will respond more efficiently by the insulin sensitivity. It increases the insulin sensitivity. Why this protein increases the insulin sensitivity? It is also one of the major concerns. आप ये समझ गए, एक सिंपल भाषा में आप समझ जाओ कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ. आई थिंक इसको एक ब्रीफ और एक सिंपल भाषा में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. सिंपल भाषा में मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे जो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने का जो मेजर रीजन है वो है हमारा फैट का डिपोजिशन. फैट को डिपोजिशन को रोकने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि एडिपोसाइट्स के अंदर एक बहुत ही अच्छी दवाई हम लोगों ने लाई, वो है पायोग्लिटाजोन. ये पायोग्लिटाजोन जो है हमारे एडिपोसाइट्स के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एक पीपीआरए गामा रिसेप्टर पाया जाता है. ये जो पायोग्लिटाजोन है वो पीपीआर गामा रिसेप्टर से ये फाइंड आउट करता है. इस एक्टिवेशन के कारण रूमेटाइड रिसेप्टर के साथ ये डाइमराइजेशन करता है एंड को एक्टिवेशन फैक्टर के हेल्प के थ्रू ये जीएनए ट्रांसक्रिप्शन करता है विथ अ डीएनए, और डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन करके ये आरएनए बनाता है, और आरएनए से ये फिर प्रोटीन की सिंथेसिस करता है. और ये जो प्रोटीन है वो हमारे स्पेशली यूज होता है इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए. अब हम आगे चल के जानेंगे कि किस तरीके से ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, ये सारे कौन कौन से प्रोटीन है जो इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं, तो ये हम आगे थ्रू प्रोसेस देखेंगे. तो ये चीज़ आप समझ गए. अब जो ये प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है, जो पायोग्लिटाजोन ये बना रहा है एडिपोसाइट्स के अंदर, वो क्या क्या बना रहा है ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो. फर्स्ट स्लाइड आप देखना, तो इसमें आप देखोगे फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, विच वी कॉल इट एज द FATP, फैटी एसिड ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन. द सेकेंड वन वी कॉल इट एज द GLUT4, इट इज अ GLUT4, ठीक है. एंड थर्ड वन विच वी कॉल इट एज अ लिपोप्रोटीन लाइपेज. ये तीन तरीके का प्रोटीन जो है एक तरीके से हमारे ये बना रहे हैं पायोग्लिटाजोन. अब जो फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, वो क्या करता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है टू इंक्रीज द ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड इनटू द एडिपोसाइट. एडिपोसाइट्स के अंदर ज़्यादा अमाउंट में फैटी एसिड आए, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? फैटी एसिड ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का. ये आप समझ गए. नाउ अब जब फ्री फैटी एसिड विच आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, दे कैन एंटर इनटू द एडिपोसाइट्स थ्रू द FATP. तो जो भी फ्री फैटी एसिड हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट है, जो इधर से उधर सर्कुलेट आउट हो रहा है, उसे हमने एक जगह दे दिया कि आप यहां आके रहिए. तो एडिपोसाइट्स में ये आ गया थ्रू द हेल्प ऑफ FATP. GLUT4 क्या करता है? GLUT4 क्या करता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपटेक ऑफ ग्लूकोज. तो ग्लूकोज के अपटेक को ये बढ़ाता है, मतलब कि जो प्लाज्मा में हाइपरग्लाइसेमिक स्टेज डेवलप्ड है, उस हाइपरग्लाइसेमिक स्टेज को अगर हमको कम करना है तो हम GLUT4 की फॉर्मेशन को बढ़ाएंगे. तो इसके कारण क्या होगा कि जो ग्लूकोज का अपटेक है इन द एडिपोसाइट, इट विल गोइंग टू बी इंक्रीज इन अ पीरियड ऑफ टाइम. सो ग्लूकोज विच इज प्रेजेंट इन द फ्री फॉर्म, इट कैन बी अपटेकन इन टू द एडिपोसाइट. इट कैन बी अपटेकन मतलब इसको लिया जा सकता है एडिपोसाइट्स के अंदर थ्रू द GLUT4 रिसेप्टर.
दिस इज वी कॉल इट एज द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज इनटू अ ग्लिसरॉल. सो ग्लूकोज का कन्वर्जन हो रहा है ग्लिसरॉल में बिकॉज ऑफ अपटेकिंग दैट ग्लूकोज इनटू द एडिपोसाइट्स. एंड नाउ इफ यू नो दैट दिस फ्री फैटी एसिड विच इज कमिंग फ्रॉम द FATP एंड देयर इज अ ग्लिसरॉल विच इज कमिंग फ्रॉम द GLUT4. And this free fatty acid and the glycerol, it will combine to form a triglyceride. तो ये क्या form करेगा? आपका form करेगा triglyceride. और triglyceride जब आपके बनेगा तो cleavage of जो triglyceride होगा present in the plasma और इसके कारण तो अब जब ये ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा बन रहा है तो थर्ड जो प्रोटीन है जो कि लिपोप्रोटीन लाइपेज है वो क्या करेगा? वो इसी ट्राइग्लिसराइड को फिर तोड़ेगा. तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लेवेज ऑफ द ट्राइग्लिसराइड इनटू फ्री फैटी एसिड, तो इस ट्राइग्लिसराइड को वो फिर तोड़ेगा फ्री फैटी एसिड में. तो इसके थ्रू क्या होगा? लिपोजेनेसिस इज इंक्रीज बाय द पायोग्लिटाजोन. तो इसके कारण क्या होगा कि जो कॉम्प्लेक्स लिपिड है वो सिंपल फॉर्म में रेगुलर इंटरवल ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में वो कम टूट रहा है. तो कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल, कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल, कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल, ये फॉर्मेशन हो रहा है. अब जब लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम ये क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लेवेज ऑफ द ट्राइग्लिसराइड प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एंड ट्राइग्लिसराइड को ये कन्वर्ट करेगा फ्री फैटी एसिड में और फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा फिर ये ग्लिसरॉल के साथ बाइंड आउट करके फिर ये ट्राइग्लिसराइड फॉर्म करेगा. तो लिपोजेनेसिस इंक्रीज हो रहा है, जो फ्री फैटी एसिड बन रहा है वो एडिपोसाइट्स में बन रहा है. आप समझ रहे हो? जो फ्री फैटी एसिड बन रहा है रिस्पॉन्सिबल क्लेवेज ऑफ ट्राइग्लिसराइड प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, ये फ्री फैटी एसिड आपका कहाँ पे आके बन रहा है? लिपोप्रोटीन फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू आपके एडिपोसाइट्स में. तो फ्री फैटी एसिड जो प्लाज्मा में है वो कम हो रहा है, प्लाज्मा के अंदर कम हो रहा है. ग्लिसरॉल जो कि ग्लूकोज, ग्लूकोज का ग्लिसरॉल में कन्वर्जन हो रहा है, वो ग्लूकोज आपका प्लाज्मा में कम हो रहा है. तो दो चीज़ें कम हो रही हैं. आप समझिए कि सबसे बड़ा जॉइंट किलर है ये दोनों आपके डायबिटीज़ को बढ़ाने के लिए, आपका ग्लूकोज और आपका ट्राइग्लिसराइड या फ्री फैटी एसिड जिसको हम लोग कहते हैं. तो ये फ्री फैटी एसिड और ग्लूकोज अगर दोनों प्लाज्मा के अंदर कम होगा तो ट्राइग्लिसराइड और ग्लूकोज के कारण हाइपरग्लाइसेमिक स्टेज भी कम होगी. दिस एक्शन इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ इंसुलिन. सो इसके कारण जो है इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाती है. एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी तक नोन नहीं है लेकिन बहुत हद तक स्पेसिफिकली इसी को माना जाता है कि यही एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण कि पायोग्लिटाजोन अपना इफेक्ट जो है वो दिखा पाता है. अब आप इस तरीके से इस फोटो में भी आप देख पा रहे होंगे कि FATP के थ्रू ये आया तो ये ट्राइग्लिसराइड जो है आपका GLUT4 और ये दोनों मिलके जो आप हम लोग कहते हैं ग्लिसरॉल और आपका फ्री फैटी एसिड ये ट्राइग्लिसराइड बनाया. तो ट्राइग्लिसराइड एडिपोसाइट्स में है बट ट्राइग्लिसराइड जो आपका प्लाज्मा में होना चाहिए वो कम है. ग्लूकोज जो आपका प्लाज्मा में होना चाहिए वो कम है बिकॉज GLUT4 के थ्रू ये एडिपोसाइट्स में आ गया है. तो इसके कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ेगी. अब आता